वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। करते हैं सर, बड़े होंगे होंगे छोटे होंगे, मैं लोग इस कुदरत नमस्कार अफगान और लोग क्यों डरे कर रहे हैं। अच्छा, ये एक न्यूज़ उस दिन आई हुई थी जब ये फीमेल एक क्या कहते हैं व्लॉगर है, उनको वो रेप हुआ था, इसको गैंग रेप किया, गैंग रेप किया तो इस पे जो है हिंदुस्तान मैसेज टू इंडिया आफ्टर झारखंड रेप हॉरर सेल्फी विद फॉरेन टूरिस्ट गोज वायरल। व्हाट करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। क्रिस बिलम अच्छा नंबर जरूर स्ट्राइप कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है लाइक करके करिए। अगर मैं सोशल सर फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट एट इंटरनेट को सेल्फी विद फॉरेनर, ये वर्क सर सेल्फी लेके फिर ये पाकिस्तान से इंडिया गई है मेरे ख्याल में। इसी तरह ये तो है, विमन अब बहुत सेव है अफगानिस्तान में, भाई सेव बहुत है, लेकिन उसको जो है आज़ादी नहीं दी है, ये बात है। कोई किसी फीमेल को देख नहीं सकता है, एक चीज एक रियलिटी, लेकिन आज़ादी नहीं दी है, ये बात सच है। मतलब After a foreign tourist was gang raped in Jharkhand. ये सब कुछ हुआ था झारखंड कहाँ पे पड़ता है ये तनी झारखंड के साइड पे। One of the captions read, "No one can dare to harm women in Afghanistan." ये एक रियलिटी है, यस। ये ट्वीट किया हुआ है, नहीं किया, ये कोई बंदा है उसने किया हुआ है, ये ब्राज़ील की है। इस पर तलबा अकाउंट रिट्वीटर नो एक्स द टूरिस्ट इन सेल्फी आर फ्रॉम ब्राज़ील। अच्छा, डेफिनेटली कैन नॉट वेरीफाई द इंफॉर्मेशन पोस्टेड बाय तलबा अकाउंट। नहीं है तलबा, नहीं है, ऐसे लोगों ने किया हुआ है, तलबा ने खुद नहीं किया। ये कैसे होता है, तलबा ने खुद नहीं किया हुआ, ये देखो ये भी कोई और है। तलबा ऑफिशियल दिस फोटो इज पोस्टेड द सेल्फी इन बूस्ट ऑफ सिक्योरिटी इन अफगानिस्तान। Islamist Taliban were posing with a woman who was unthinkable a few years ago. Same from beautiful country, but Taliban are aggressively using social media to show Afghanistan is progressing. Currently governed by Sharia laws and death in the permission for yes, yeah. ये हर जगह पर होना चाहिए, रेप की तरह उस बंदे को जो है खत्म कर देना चाहिए, खत्म बात। क्या हुआ था, अ फॉरेनर नेशनल फ्रॉम स्पेन वाज एलिजिबली गैंग रेप इन झारखंड दुमका लास्ट नाइट। अच्छा, स्पेन के वो दूसरा जो पिक्चर थी सेल्फी वाला वो ब्राज़ील की थी, वो नहीं थी। द इंसिडेंट अकर्ड एट करोमहाट इन हंसिदा पुलिस स्टेशन एरिया ऑन फ्राइडे। पुलिस स्टेशन एरिया में दिस वेन अ टूरिस्ट कपल फ्रॉम स्पेन वर स्पेंडिंग द नाइट एट अ मेकशिफ्ट टेंट। अच्छा, मेकशिफ्ट टेंट था। The incident sparked outrage in India and was widely reported across the world. The suspect pakde gaye ya nahi pakde gaye, police Jharkhand has arrested several accused and the investigation is underway. 3-4 ko pakde gaye, bahut acha kaam kiya inko, jo hai isi tarah khatam kar de inke sath, jo hai hamare jo aaj ki jo rule hai hamara wala wahi jo Taliban ki rule hai ya wo cheez, ek cheez bhi aap kahoge yaar ki ek to insaan ki jaan jayegi is tarah ki, matlab agar saza nahi to ye agar ek do ko is tarah khade to koi is tarah kaam nahi karega Taliban log ki hum ab to Sharia law mein ye sab kuch hai, upar se agar aap ek do ke sath aisa karoge to hazaron samajh jayenge, हजारों नहीं लाखों करोड़ों समझ जाए भाई। ये अभी सऊदी अरब में भी इसी तरह का कोई सोच भी नहीं सकता है। तो इस तरह जो है अगर करेंगे ये रूल होना चाहिए। ये फीमेल अफगानिस्तान से जा गई थी इंडिया, नहीं वो पिक्चर मुझे कोई और लगे, पिक्चर वाली वो नहीं थी, वो पिक्चर वाली वो नहीं थी, मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत पता, वो तो है लेकिन वो पिक्चर वाली वो नहीं थी, वो ब्राज़ील वाली। भाई साहब ये बेचारे देखो, एक कंट्री में जब बाहर से लोग, अभी ये एक दो तीन बंदे या सात बंदे मेरे ख्याल से जो है, फिर लोग जो है सारे जो इस तरह लोग, इसके बारे में मैंने वीडियो देखी कि पहले ये तीन बंदे आए हुए थे, फिर चार को और को बुलाए थे, मेरे ख्याल तीन चार को और को बुलाए थे, फिर रेप किया हुआ था। अब ये देखो इंडिया में तकरीबन 140 करोड़ की आबादी है, 145 करोड़ की आबादी, ये चार पांच लोगों की वजह से सारे इंडिया का जो है नाम टूरिज्म जो है खराब होगी, टूरिज्म नाम बदनाम होगा, लोगों को मौका मिलेगा, लोग जो है उल्टा सीधा बोलते रहेंगे। अभी अगर इनके बिचारों के तो गैंग रेप हुआ है इस फीमेल का, तो ये न्यूज जितनी फैलाई गई है तो जो भी लोग आ रहे थे, जो भी ब्लॉगर्स आ रहे थे, जो भी
भी बंदा हो सोशल एक्टिविस्ट वगैरह वो तो यही सोचेंगे अगर ये हुआ तो हमारे साथ भी हो सकता है इमेज खराब खराब जाएगा लोगों को मौके मिलेंगे और इंडिया ऑलरेडी कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है अगर इस तरह की सिचुएशन रहा तो काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट्स भी रुकेंगे जो टूरिज्म है वो भी उसको बहुत बड़ा एक तरह इंडिया की अब बहुत ही अच्छा इमेज बना हुआ है इमेज बहुत अच्छा बना हुआ है तो टूरिस्ट आ रहे हैं आप लोग देख रहे होते हैं जब वीडियो बनाते रहते हैं इंडिया के आ रहे होते हैं लेकिन जब इस तरह की सीन जाता है तो नहीं बनता सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार ये कैसे ये सब कुछ हो गया इस तरह अगर इनके खिलाफ जो है जो इन्होंने किया वो इनको सही तरह से सजा दे दी जाए कि वो कभी कोई ऐसा हमेशा सोचे नहीं अभी फॉरेनर्स आए हुए हैं फॉरेनर के साथ ऐसा हुआ है तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा भाई तो इस तरह नहीं होना चाहिए बाकी होप्स हो कि उनको सख्त सख्त सजा मिले और कभी अंदर इस तरह सोचे भी नहीं बाकी अगर पसंद आए प्लीज रोशन अमर रिक्टर साथ में जो बेला है कहने से सपोर्ट मिल रहा है सो अभी के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज़ बाय बाय